स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में बॉलीवुड की फेमस स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर मोनी भट्टाचार्य जी के डायरेक्टिंग करियर के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन्होंने शुरुआत की मूवीज में असिस्टेंट डायरेक्टर तौर पर काम किया। इनकी सबसे पहली 1953 में आई थी परिणीता। इसमें मेन डायरेक्टर थे बिमल रॉय जी। इस मूवी लीड कास्ट में थे अशोक कुमार, मीना कुमारी, मनोरमा और नाजिर हुसैन। इस मूवी का बजट था 35 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 60 लाख की और दुनिया में कमाई की 1 करोड़ 10 लाख की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। इनकी अगली मूवी आई थी 1953 में जिसका नाम था 2 बीघा जमीन। इसमें मेन डायरेक्टर थे बिमल रॉय जी। इस मूवी लीड कास्ट में थे बलराज साहनी, मीना कुमारी, निरूपा राय, नूर जहां, रतन कुमार और मुराद। इस मूवी का बजट था 40 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 70 लाख की और दुनिया में कमाई की 1 करोड़ 30 लाख की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। मोनी भट्टाचार्य जी के असिस्टेंट डायरेक्टर तौर पे अगली मूवी आई थी 1954 में, इसका नाम था विराज बहु। इसमें मेन डायरेक्टर थे बिमल रॉय जी। इस मूवी लीड कास्ट में थे कामिनी कौशल, आयु भट्टाचार्य और प्राण। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1958 में, इसका नाम था मधुमती। इसको मेन डायरेक्टर थे इसमें बिमल रॉय जी। इस मूवी लीड कास्ट में थे दिलीप कुमार, वैजंती माला, जॉनी वाकर, जयंत और प्राण। इस मूवी का बजट था 81 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 2 करोड़ की और दुनिया में कमाई की 4 करोड़ की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। मोनी भट्टाचार्य जी की असिस्टेंट डायरेक्टर तौर मूवी अगली मूवी आई थी 1958 में यहूदी। इसमें मेन डायरेक्टर थे बिमल रॉय जी। इस मूवी लीड कास्ट में थे दिलीप कुमार, मीना कुमारी, निगार सुल्ताना, मीनू मुमताज, सोहराब मोदी, नाजिर हुसैन और मुराद। इस मूवी का बजट था 50 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 1 करोड़ की और दुनिया में कमाई की 2 करोड़ की। कमाई के अनुसार इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1960 में जिसका नाम था उसने कहा था। इसको डायरेक्ट किया था मोनी भट्टाचार्य जी ने। इसमें लीड कास्ट में थे सुनील दत्त, नंदा, दुर्गा खोटे, लीला मिश्रा और तरुण बोस। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। मोनी भट्टाचार्य जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1963 में जिसका नाम था मुझे जीने दो। इस मूवी लीड कास्ट में थे सुनील दत्त, वहीदा रहमान, निरूपा राय, मुमताज, मनोरमा, राजेंद्र नाथ और नर्मद हुसैन। इस मूवी का बजट था 45 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 80 लाख की और दुनिया में कमाई की 1 करोड़ 60 लाख की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1967 में जिसका नाम था जाल। इसको डायरेक्ट किया था मोनी भट्टाचार्य जी ने। इसमें लीड कास्ट में थे विश्वजीत चटर्जी, माला सिन्हा, निरूपा राय, तरुण बोस, सुजीत कुमार, जॉनी वाकर। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी 1968 में आई थी बाजी। इसको डायरेक्ट किया था मोनी भट्टाचार्य जी ने। इसमें लीड कास्ट में थे धर्मेंद्र, वहीदा रहमान, चांद उस्मानी, जॉनी वाकर, नाजिर हुसैन और क्वेश्चन मुखर्जी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1971 में, इसका नाम था चाहत। ये इनकी लास्ट मूवी थी। इस मूवी लीड कास्ट में थे जितेंद्र, मुमताज, माला सिन्हा, विश्वजीत चटर्जी, जयश्री टी और आशीष सेन। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। ये मोनी भट्टाचार्य जी की लास्ट मूवी थी। इसके बाद इनकी कोई मूवी नहीं आई। तो व्यूवर्स, ये मोनी भट्टाचार्य जी की मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनके डायरेक्शन में बनने वाली कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और व्यूवर्स, किस डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या फिर एक्टर एक्ट्रेस का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। व्यूवर्स, हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो वॉचिंग।